वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है मैं हूँ अब्दुल्ला रून और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इस मैथ बॉक्स में अलजेब्रा कैसे पढ़ सकते हैं। तो लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने ये बॉक्स नहीं ऑर्डर कराया तो alafia.com/blogs पर जाके इसको जल्दी से ऑर्डर करें और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए ये नंबर्स लिखे हुए हैं जो अभी मैं आप लोगों को आखिर में वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा और आपने इंफॉर्मेशन के लिए आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लें। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे अलजेब्रा। इसमें अब मैंने जैसे आप लोगों को पिछली वीडियो में एक्सपोनेंट्स में भी बताया था, इसमें जो एक साइड होती है वो ये वाली जिसमें सर्कल्स होते हैं ये माइनस की होती है, और जिसमें ये सर्कल्स नहीं होते जो बिल्कुल प्लेन होती है वो पॉजिटिव साइड होती है प्लस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन हम लिख देते हैं 5 - 2, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अब ये 5 का बॉक्स कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का, ये हमारा 5 का ब्लॉक है, ठीक है। तो हमने ये इधर रख दिया, ये हमारा -2 है तो ये हमने इधर रख दिया, माइनस वाई साइड ऊपर माइनस वाई जगह पे, प्लस वाई साइड ऊपर प्लस वाई जगह पे। तो हमने -2 को प्लस 5 के ऊपर रखा, तो बाकी जितने ब्लॉक्स रह गए वो हमारा आंसर है, 1 2 3 3 हमारा आंसर आ गया, 3 हमारा आंसर आ गया। अब हम इसी को ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ये ब्रैकेट्स लगा के। तो इक्वेशन अब मैं कोई और दूंगा, मैं नंबर अब मैं कोई और दूंगा। तो अब मैं नंबर दे देता हूँ 7 - 4, ये भी ब्रैकेट में है ये भी ब्रैकेट में है, -4 है, ठीक है जी। अब 7 के इसमें ब्लॉक कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 का ब्लॉक है, 7 प्लस में है तो इसलिए ये हमने इधर 7 का रख लिया, प्लस वाई साइड इधर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर प्लस का साइन ना भी लिखो तो होता वो डे प्लस ही, अगर माइनस और माइनस लिखना पड़ता है, और अगर पॉजिटिव में हो नंबर तो ना भी लिखें तो पॉजिटिव ही होता है। तो अब हम -4 लेंगे, तो माइनस वाई साइड यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे। तो अब -4 को हमने इसके ऊपर आए रखा तो ये 3 ब्लॉक्स बच गए, 1 2 3, तो आंसर हमारा इस पर 3 आ गया। आप लोग इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं तो आंसर आपका भी 3 आएगा। तो एक और हम ऐसे ही कर लेते हैं ब्रैकेट लगा के। तो अब ये देख लें, अब मैं पहले वाले ब्रैकेट पे लगाऊंगा -3, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे 5, ठीक है जी। तो अब हमारा 5 का ब्लॉक ये रहा, पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव साइड रखी है, फिर 3 का हमारा नेगेटिव है तो ये यहाँ पे रख दिया। अब ये अगर हम ऐसे इसके ऊपर रख देंगे तो 2 बज गए, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 2। ऐसे हम इससे आसानी से सारा काम कर सकते हैं, ब्रैकेट्स वगैरह भी बाकी भी। तो अगर आप लोगों ने ये घर पर खुद सॉल्व करके देखेंगे तो भी आंसर यही आएगा। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैथ बॉक्स में जो नंबर है वो इंफॉर्मेशन के लिए, और वो दिखा देता हूँ।
दोस्तों ये पहला इनका नंबर है, ये सेंटर वाला दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये जो मैंने अभी आप लोगों को alafia.com/blogs से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, तो ये आप लोग तीनों नंबर नोट कर सकते हो और किसी वक्त इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हो अलाफिया को, तो और ब्लॉग्स भी आप लोग किसी वक्त ख़रीद सकते हो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।